एटी न्यूज चैनल अब नेट विजन केबल नेटवर्क पर 707 नंबर पर उपलब्ध। नमस्कार, मैं विवेक डोगरा, आप देख रहे हैं प्राइम एटी न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा सुर्खियों पर। जी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। परम आदरणीय सुषमा जी, हम सब लोगों की तो नेता थी पार्टी की, पूरे देश और दुनिया में उन्होंने अपने वाणी से पूरी दुनिया को संदेश दिया था। हर सब्जेक्ट पे उनको कमांड थी। भारत की जो संस्कृति है उसे पार्लियामेंट में वेद के रूप में, शास्त्रों के रूप में समय समय में उन्हें उल्लेखित करकर भारतीय संस्कृति को पूरी दुनिया में परचम फहराने का काम भी परम आदरणीय सुषमा जी ने किया। आज वो हम लोगों के बीच नहीं है। आगरा में उनकी दर्जनों स्मृतियां हैं हम लोगों के पास। जब वो राष्ट्र रक्षा महाशिविर लगा शास्त्रीपुरम में, संघ के 75 वर्ष पूरे होने पर, परम आदरणीय रामलाल जी यहाँ प्रांत प्रचारक थे। मैं उस शिविर का सुरक्षा प्रमुख था और 3 दिवसीय शिविर में पहले दिन उस प्रदर्शनी का उद्घाटन कर रहे हैं। वो आई तो मैं सुरक्षा व्यवस्था थी, वहाँ कोई पुलिस नहीं जा सकती थी, ऐसा संघ का वहाँ निर्देश था। तो जब मैंने उनको पूरी प्रदर्शनी उन्हें देख ली अधिकारियों के साथ, तो मुझे बुलाया, मुझसे अपना मुझे परिचय लिया। मैं बजरंग दल का प्रांत संयोजक था उस समय। ऐसी एक अद्भुत व्यक्तित्व की धनी, एक सामान्य कार्यकर्ता को बुलाकर परिचय प्राप्त करना, उसको आशीर्वाद देना, ये उनकी अपने उस एक अपनी एक शैली थी। और जब यहाँ सागंज की एक सभा करने आई थी, हम लोग भी सुनने गए थे कि सुषमा जी आ रही है। सागंज बाजार के अंदर सभा थी, नियम को मानने वाली ऐसी थी कि वहां जैसे ही 5 बजे तो एक शब्द नहीं बोला और उन्होंने हाथ हिला के अभिवादन करके नीचे उतर गए। इतने मानकों का पालन करने वाले, अखंड व्यक्तित्व की धनी और राज समर्पित ऐसे नेता को मैं भावभीनी श्रद्धांजलि शब्दांजलि के माध्यम से अर्पित करता हूं। अभी मैं दिल्ली जा रहा हूं, उनके अंत्येष्टि संस्कार में अभी सम्मिलित हूंगा।